वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन किन। तो आज मैं बताऊंगी आपको नवरात्र के फर्स्ट दिन हमें क्या खाना चाहिए, ऐसा कि हमें पूरे दिन भूख ना लगे और जल्दी बनने वाला एकदम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाएंगे ये सब। तो देखिए, मैंने साबूदाना लिया है और ये कढ़ाई गर्म रखी है। इसमें हम साबूदाना को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से चला चला के भून लेंगे। हमें इसे भूनने में बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अच्छे से भूनेंगे इसे और एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद से हम इसे। तो देखिए, ये भुन चुका है। इसे भुनने में 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर इसे पीस लूँगी। तो अब इसे मैंने ठंडा कर लिया, अब इसे पीसने के लिए रख दूँगी एक मिक्सी जार में और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम दरदरा। तो देखिए, मैंने एकदम फाइन एकदम दरदरा इसको पीस लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो देखिए, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, जो मैंने साबूदाना भून के पीसा था वो मैं इसमें डाल लूँगी और ये मेरे पास घर का भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है, ये डाल दूँगी आधा। देखिए, और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी टेस्ट के लिए। तो व्रत का खाना बन रहा है तो थोड़ा टेस्टी बने तो ही अच्छा है, और कम तेल में। और इसमें मैं स्वाद के अनुसार सेना नमक डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और ये थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसे हम एक मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें हम थोड़ी सी दही डालेंगे। मेरे पास 2 आलू हैं बॉईल, ये मैं इस आटे में ग्रेट करके डाल दूंगी। ये मैं ऐसे ग्रेट करके डाल दूंगी ताकि हमारे पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने, वो भी सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में। तो और ये थोड़ा सा मेरे पास जीरा पाउडर है, ये डाल दूंगी इसमें, और भी हमारे जो पराठों का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। जब तक हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी नहीं लेंगे, अभी हम इसी से इसे मैश करें। तो देखिए, ये बिना पानी डाले ही हमारा आटा जुड़ गया है बिल्कुल। अगर हमें नीड है तो हम पानी डालेंगे, वरना अभी ऐसे ही मसल मसल के इसे अच्छे से लगा लेंगे हम एक सॉफ्ट डो। तो अभी इसमें मैं हल्का सा, बस इसे मैं टेक्सचर देने के लिए हल्का सा पानी डालूंगी इसमें। वैसे तो मेरा आटा खुद ही लग गया है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे अच्छे से जैसे हम अपना नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। तो देखिए, ये मेरा आटा लग चुका है। अब मैं इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। तब तक हम अपनी सब्जी बना लेते हैं आलू की। ये हमने कढ़ाई रख दी है, इसे गर्म होने देंगे। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी बस। क्या बोले, घी। तो घी डाल दूंगी थोड़ा सा, आधा चम्मच। और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। ये जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे इसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया, या आप लोग हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से चला लेंगे। और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ऐसे ही। तो ये 1 से 2 मिनट तक मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें मैं व्रत वाला नमक डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार। और मेरे पास ये जीरा का भुना हुआ पाउडर है, ये डाल दूंगी मैं। और मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया रखा है, ये डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल जल्दी और एकदम इजी बनने वाली सब्जी है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये करना है, मसाले तैयार करने हैं, कुछ नहीं। और इसे मैं अच्छे से चला दूंगी, फ्लेम को लो ही रखिएगा।
इसे अच्छे से जला दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई। तो ये मैंने लाल मिर्च डाल दी पिसी हुई, जिसको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमें एक गिलास भर के इसमें पानी डाल देंगे। ओके, है ना, आया ना पानी मुँह में, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। तो इसमें हमने अब पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे आलू अच्छे से बॉईल तो हैं ही और अच्छे से पक जाए। तो देखिए ये मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे अच्छे से बॉईल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही ये जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे हम इसके अंदर दही। हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे एकदम थोड़ी थोड़ी करके दही को डाल के तुरंत चला लेंगे, वरना हमारी दही का फटने का डर रह सकता है। तो थोड़ी थोड़ी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्की हल्की, एक एक बार नहीं डालेंगे, एक ही बार डालेंगे तो फट जाएगा हमारा दही और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे आलू की सब्ज़ी बिल्कुल खट्टी बनेगी। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिए और अब इसे अच्छे से चला लूँगी मैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। तो इतनी जल्दी और इतनी इजी बनने वाली व्रत की सब्ज़ी आप लोगों ने कहीं देखी नहीं होगी, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तेज आंच करके दो बॉईल आने तक पका लूँगी, उसके बाद हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाएगी। जब तक उधर मेरी सब्ज़ी हो रही है, इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, इसे मैं और थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से मसल लूँगी। देखिए खूब अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये फटे ना। जान लगा दीजिएगा जितनी जान है आप लोगों में व्रत रखने के बाद भी। तो बस ये तैयार है हमारा आटा। तो अब हम एक चकला बेलन लेंगे, जो तो सबके पास होता है, और मैंने इतनी सी लोई ली है, इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। देखिए देखना फटे ना, ये फटेगा तो हमारा आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखिए इसमें मेरे पास कुट्टू का आटा है, तो मैं ये सूखा कुट्टू का आटा लगा के इसे बेल लूँगी अच्छे से, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं। बेलन बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। देखिए मैं थोड़ा पतला पतला ही बनाऊंगी, आप लोग चाहें तो मोटा बना सकते हैं, मुझे एकदम क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा पतला पतला बना रही हूँ। ये मेरी साइड साइड से किनारी निकली हुई है, इसे मैं हटा लूँगी, अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये मेरा गोल एकदम गोल पराठा छोटू छोटू सा बेल चुका है। अब इसे मैं तवे पर रख दूँगी, तवा एकदम गर्म है मेरा, और हल्का सा तेल डाल दूँगी। देखिए इसे एकदम कम आंच पे अच्छे से सिकने देंगे। देखिए मैंने तेल बिल्कुल नाम मात्र तेल लगाया है, ऐसे ही हम लोग सारे बेल लेंगे और बना लेंगे बेल के। तो देखिए ये अच्छे से सिक चुका है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से। इसे मैं क्रिस्पी करने के लिए थोड़ी देर और रख रही हूँ इसमें तवे पे। देखिए मेरी गर्मा गर्म थाली तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप लोग भी ट्राई करिएगा प्लीज़। और देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी का टेक्सचर कितना गाढ़ा है दही की वजह से, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी मैं अपनी ननद को खिला के फिर टेस्ट करवाती हूँ। देखिए कितनी मुलायम है अंदर से, देखिए आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। दही के साथ ले सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नवरात्रों में और अच्छी अच्छी डिश आप लोगों को बना के बता सकूँ। थैंक यू।